गाइस, आप देख रहे हैं घाटशिला टूर। आप ट्रेन से आकर घाटशिला स्टेशन उतरकर यहाँ से फिर आप ऑटो या फिर प्राइवेट कार बुक करके घाटशिला का जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। हम इस वक्त घाटशिला में है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है बुरुडी लेक एंड बुरुडी डैम। ये बुरुडी लेक एंड बुरुडी डैम छोड़ के भी यहाँ पर काफ़ी सारे घूमने का जगह है, जैसे धारागिरी वाटरफॉल, नवाब कोठी, इसके अलावा भी सुबर्णरेखा नदी जो यहाँ का मेन एडवेंचरस प्लेस है ये आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। घाटशिला मेन स्पॉट पर जाते जाते आप रास्ते के दोनों तरफ ऐसे कुछ गाँव आपको देखने के लिए मिलेगा जिन गाँव में उन गाँव वालों का जनजीवन साफ देखने के लिए मिलेगा। घाटशिला एक्चुअली एक दिन का सफ़र है। अगर मान लीजिए आप एक दिन का ये सफ़र नहीं कर पाए तो आप दो दिन में भी ये घाटशिला पूरा कवर कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है होटल। यहाँ पर होटलों का जो प्राइस है वो आपको एक दिन का डबल बेड के लिए एक रूम आपको 600 से 700 रुपया देना पड़ सकता है। अगर आपको घाटशिला में एक नाइट स्टे करना है तो मैं आपको बोलूँगा आप घाटशिला स्टेशन के आसपास ही रहिए। यहाँ पर आपको सस्ते में बहुत सारे होटल्स या फिर लॉज मिल जाएगा, जैसे होटल आकाशदीप, होटल स्नेहलता, नवाब कोठी गेस्ट हाउस। इन होटलों का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिएगा। अब मैं आपको बोलूँगा आप किस चीज़ से ये सब स्पॉट आराम से घूम सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप घाटशिला से एक कार कर लीजिए। जोन जोन स्पॉट आपको घूमना है वो उन्हें बता दीजिए। मेरे ख्याल से आपको एक कार करने पर करीब 1000 रुपया के आसपास लग सकता है। अगर आप कार ना कर पाए तो आप ऑटो से भी ये सब स्पॉट घूम सकते हैं। एक दिन का ऑटो करीब ये सब स्पॉट घुमाने में आपको 700 से 800 रुपया ले सकता है। यह है बुरुडी लेक एंड बुरुडी डैम का कार पार्किंग प्लेस। यहाँ पर कार पार्किंग करने का बाद फिर आगे पैदल में जाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ छोटा मोटा दुकान एंड रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप दोपहर का लंच आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा। यह है बुरुडी डैम जाने का रास्ता। रास्ते के दाहिने तरफ है बुरुडी लेक एंड रास्ते के एकदम एंड पॉइंट पर है बुरुडी डैम। इस डैम का चारों तरफ का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर है। ये बुरुडी लेक एंड बुरुडी डैम एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस तो है ही, इसके अलावा भी ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। दूर दूर से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर पिकनिक करने के लिए और साथ ही साथ इसका जो खूबसूरती है वो महसूस करने के लिए। तो ये है बुरुडी लेक, इसका चारों तरफ का जो नज़ारा है सच में बहुत खूबसूरत है, दिल को छू जाने वाली एक टूरिस्ट प्लेस है। आप जब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय जरूर बिताना। यह है बुरुडी डैम। ये डैम दूसरी डैम की तरह नहीं है, इस डैम में कोई लॉक गेट नहीं है। जब इस लेक का पानी बढ़ जाता है तो पानी यहाँ से निकल कर चला जाता है। इस डैम में बोटिंग का भी पूरा व्यवस्था है। बोटिंग का भाड़ा है 2 आदमी का 50 रुपया और 4 आदमी का 100 रुपया,
यानी कि एक आदमी का 25 रुपया। यह है धारागिरी वाटरफॉल जाने का रास्ता। बुरुड़ी लेक से धारागिरी वाटरफॉल तक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। यह 5 किलोमीटर का जो जर्नी है, यह पूरा पहाड़ी सफ़र है। पूरा जंगल से भरा हुआ पहाड़, उसका ठीक पास से यह रास्ता जा रहा है धारागिरी वाटरफॉल तक। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यह धारागिरी वाटरफॉल का जो रोड है, ये रोड जाने में बहुत लोग भूल करता है। आप अगर जब भी यहाँ पर जाए तो आप किसी से पूछ लीजिएगा, तब भी आप आगे जाइएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, यह धारागिरी वाटरफॉल का जो मेन स्पॉट है, उस स्पॉट तक गाड़ी नहीं जाता है। आपको 1 किलोमीटर पैदल जंगल के अंदर से, बड़ा बड़ा बोल्डर के ऊपर से आपको जाना पड़ेगा धारागिरी वाटरफॉल तक। यह है धारागिरी वाटरफॉल। अभी इसमें उतना पानी नहीं है, लेकिन बारिश का टाइम में यह पूरा पानी भरा हुआ रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी यह घाटशिला टूर? अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में कमेंट कर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।